आइजैक न्यूटन के भाइयों ने न्यूटन की खोज को झूठा बताया। भाई सीरियसली, जब कोई फोर्थ क्लास का बच्चा अपने टीचर से पूछता है कि ग्रेविटी की खोज किसने की, तो टीचर कहता है आइजैक न्यूटन ने। पर इस बार इंडिया यानी इंग्लैंड की प्रसिद्ध मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ क्लेम नहीं किया, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट विद रिपोर्ट ये कन्फर्म किया कि न्यूटन वॉज नॉट हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। अब इंटरनेट पर बवाल मचना ही था, और फिर उन्होंने सोर्स यानी सबूत प्रेजेंट किया। पता है क्या उन्होंने बताया? कि वैशोषिक सूत्र किताब लिखने वाले महर्षि कणाद ने ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग करके आइजैक न्यूटन से करीब 1000 वर्ष पहले करीब सेकंड और सिक्स सेंचुरी के बीच कर दिया था। पर डॉक्टर जॉर्ज जी जोसफ जिन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो बताया वो सच जानकर आप हैरान तो हो गई, लेकिन आपको बहुत दुख होगा। करीब 1300 एडी में केरला स्कूल में ये ज्ञान प्रिजर्व था, पर ब्रिटिश एरा में ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिश्चियन मिशनरीज जो भारत आए थे उन्होंने कलेक्ट करी। जब गुरुकुल खत्म हुए और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम भारत में लागू हुआ, तब भारत की खोजों और डिस्कवरीज को अंग्रेजी किताब और अंग्रेजों की खोज बताकर भारत की नई पीढ़ी को पढ़ा दिया गया। दुख तो होता है ये जानकर, बात हो गया। शेयर करो इसको हर किसी को, ताकि आज के बाद जब भी कोई बच्चे से पूछे कि ग्रेविटी की खोज किसने की, उसे सही उत्तर बताओ।